हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएसएससी वाला। दोस्तों, जेएसएससी की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। लैब असिस्टेंट का एग्जाम डेट और उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरने का तिथि में बदलाव हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग एक दोनों को नोटिस कर देख लेते हैं। दोस्तों, अभी आया है। जैसा कि आपको पता ही है, जेएसएससी वाला यूट्यूब चैनल जो भी अपडेट आता है सबसे पहले देने की कोशिश करता है। ठीक है, इसलिए आपको कोई भी अपडेट झारखंड से रिलेटेड अपडेट पाना जल्दी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करें, दोस्तों जितना क्वेश्चन दे रहे पेपर थ्री का पूरा प्रैक्टिस करवाया था यूट्यूब पर, रेगुलर बेसिस वीडियो देखिएगा। और जो पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, 30 तारीख तक अंतिम है, आज 28 तारीख हो गया, एक दिन दो दिन और रहेगा, उसके बाद किसी को एडमिशन नहीं दिया जाएगा उसमें। ठीक है, तो अभी भी समय 2 दिन, जिसको जुड़ना है जुड़िएगा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीका से वहाँ पे क्वेश्चन का पीडीएफ के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीका से काम चल रहा है पेपर थ्री के लिए। ठीक है, वहाँ जुड़ने के बाद आपका अपने आप मनोबल बढ़ेगा कि एग्जाम निकलने का चांसेस है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस करने और क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता लग रहा होगा कि कितना भयानक तरीके से चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए अभी भी लेट नहीं हुआ, जुड़ सकते हैं। जितना मटेरियल पीछे छूटा है अभी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन 30 तारीख बाद कोई किंतु परंतु नहीं होगा दोस्तों, इसलिए जुड़ना जुड़ जाइए जितने देर से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है आज का अपडेट। देखिए, 28 से 2023 का है, आप लोग देख सकते हैं प्रयोगशाला झारखंड लैब असिस्टेंट वाला, देख लीजिए क्या बोला यहाँ पे। झारखंड प्रयोगशाला प्रत्याचयन का आयोजन जुलाई 2023 के अंतिम सप्ताह से देख सकते हैं। ठीक है, जुलाई के अंतिम सप्ताह का एग्जाम होने वाला है। अंतिम सप्ताह से रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, देवघर जिलों में अवस्थित, मतलब देख रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जगह आप लोग सेंटर मिलेगा। रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची देख लेते हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के समय सूचना आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगा, आपको बता देंगे, जब आगे जल्दी बताएंगे। ठीक, जिस दिन आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत जरूरी बात है। परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना 2/12/2023 के क्रम में श्रुत लेखन स्क्राइबर की सुविधा हेतु संबंधित अभ्यर्थी विभिन्न प्रपत्र में दिनांक 12/7/2023 तक आयोग कार्यालय में अनिवार्य रूप से आवेदन प्राप्त कर चले। जो भी है इतना है, बस इतना जान लीजिए आपको जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है वो जुलाई के अंतिम सप्ताह में होने वाला है। ठीक है, और सेंटर आप लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ दिया। पहला अपडेट था ये। दूसरा नोटिस क्या दिया वो देख लेते हैं। 28 तारीख आज भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये उत्पाद सिपाही का है, इसमें क्या है, फॉर्म भरने की तिथि पहले क्या था, 30/6/2023 की मात्र रहते थे, आमंत्रित किया जाना था, फॉर्म भरे जाना था 30 तारीख तक, जैसे कल परसों 30 तारीख है। अब इसको बढ़ा के क्या कर दिया कि देखिए आप लोग, देखिए स्टार्ट कब होगा, 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, 10 दिन बाद दिया गया, अंतिम 12/7 से हो जाएगा, और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के 14/7 हो जाएगा, और फॉर्म में कोई गलती हो जाता है तो 16 से लेकर 18 3 दिन आपको सुधार सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब चीज़ नहीं चेंज होगी, इसलिए इस आराम से बढ़िएगा दोस्तों। ये चीज़ आपको संशोधन नहीं की, मतलब इसको चेंज नहीं किया जा सकता, एक बार गलती हो गया फिर गलती रहेगा, सुधार नहीं सकते हैं। इसलिए 4 नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बढ़िया से भरिएगा, बाकी जो चीज़ गलती होगा सब सुधार जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज का अपडेट बहुत बड़ा था, उम्मीद करते हैं ऐसा ही अपडेट अच्छा लगा होगा सुनने के बाद। अच्छा तो नहीं लगा कि एग्जाम डेट बढ़ रहा है, हाँ, लेकिन लैब असिस्टेंट वाले जितना जो परेशान थे बहुत कि पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कब होगा, उसके लिए बोल दिया गया कि आपको जुलाई के अंतिम सप्ताह में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, एडमिट का जैसे ही आता है मैं आप लोग को बता देंगे। ठीक है, चैनल के साथ जुड़ के रहिए, और सीजीएल वाले, जेएसएससी सीजीएल वाले, तैयारी जम के कीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से मौका मिला हुआ है, इसको भुनाइए बढ़िया से, और पेड ग्रुप में जुड़ना जुड़िए, और क्वेश्चन जितना भी यूट्यूब पर डाल रहे हैं जरूर देखिएगा। ठीक है, स्पीड करके देखिएगा, 8 मिनट का वीडियो स्पीड कीजिएगा तो 4 मिनट खत्म हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल शानदार रहने वाला है, इतना मान के चलिए आप लोग। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।